कितने 6 घंटे के टेस्ट तूने दिए होंगे भाई, ये 3 साल गिनना छोड़ में? दिया था मैंने इतने सारे की कोई लिमिट नहीं भाई। सबसे पहले तो आपका टेस्ट खराब किया, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि नेक्स्ट टेस्ट अच्छा करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य गुप्ता और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। हमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी हम 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एंड 500 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैंने आज एक स्पेशल वीडियो कर रहा हूँ अपने फ्रेंड उत्कर्ष के साथ। हाय तो फिर उत्कर्ष जो है वो ऑल इंडिया रैंक 84 लाया जेई एडवांस से, इसके अलावा मेंस में भी उसकी 126 रैंक थी, केवीपीवाई एसिक्स स्कॉलर भी है, बिट साइट ने 399 मार्क्स, एंड ऐसी कई अचीवमेंट्स और भी है इसके। तो उत्कर्ष हमें साथ में ही पढ़े थे कोचिंग में, एंड वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, काफी टाइम हो चुका है। तो आई थॉट क्यों ना एक दूसरे आईआईटी दिल्ली के में जो जाने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको थोड़ा बहुत पता लगे, तो आई इनवाइटेड हिम ओवर टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आप जैसे ही कई स्टूडेंट्स का बेनिफिट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उत्कर्ष या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हमें डीएम भी कर सकते हैं, दोनों के हैंडल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा मतलब खुद के क्लास नोट्स बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब जो अगर मान ले कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है तो वहां से पीडीएफ मिला, इज दैट सफिशिएंट, या क्लास नोट्स बनाने की अपनी एक इंपॉर्टेंस है? नहीं मतलब क्लास नोट्स तो बिल्कुल मस्त ही हैं। मैंने मतलब हमारी जब ऑनलाइन क्लास होती थी तो भी मैंने बनाए थे, मैंने है ना, भी और बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से। मतलब आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको फिर मतलब हाईलाइट करो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। आप जैसे कि आपको कुछ, आपने कोई सवाल किया, आपको कुछ बढ़िया बात लगी, तो आप उस नोट्स में बाद में एडअप भी कर सकते हो। और हाँ मतलब अपने खुद की राइटिंग के नोट्स पढ़ने में मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, तो नोट्स इज नाइस। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे फिर तो तूने, आई थिंक। हाँ शॉर्ट नोट्स मतलब जहाँ जब जब रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बनाओ ही बनाओ शॉर्ट नोट्स मतलब, लेकिन अगर वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब किसी को अगर मतलब अगर चैप्टर चैप्टर की समरी लेंथी अच्छे है से चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल, तो आपके पास एक तो मतलब कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके पास कि भाई देखो पूरा चैप्टर आता है मेरे को शॉर्ट नोट्स में लिखने के राइट, लिए। स्पेशली जब एग्जाम खुद से में पहले बनाए क्विक होते हैं रिव्यू, शॉर्ट नोट्स तो हाँ एग्जाम से पहले क्विक रिव्यू करते टाइम भी काफी यूजफुल रहता है। काफी सही तरीके से तूने बताया। तो इसके अलावा क्योंकि हम कोविड वायरस रहे तो ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड किया, ऑनलाइन भी अटेंड किया, तेरी अकॉर्डिंग मतलब आज की डेट में क्या बच्चों के पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो वो क्या चूज करे, अकॉर्डिंग टू क्या अच्छा एक ऑप्शन रहा तेरे लिए पर्सनली? क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि डिस्ट्रैक्शन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, एंड ऑफलाइन में ट्रैवलिंग टाइम एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन जाता है। तो तू बता मतलब तेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है इस पर? वेल मतलब हमारी ऑनलाइन तो 12th, मतलब हमने पूरा 12th ऑनलाइन ही किया था ना, तो 12th तक आते आते मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। मतलब सही बताऊँ तो कि मतलब मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता था सोशल मीडिया तो नहीं, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, मैं मोबाइल वगैरह पे कंट्रोल कर लेता था, है ना। और तो सोशल मेरे को मीडिया पे थे, ऑनलाइन अकाउंट भी थे या नहीं? मतलब बिल्कुल मतलब अकाउंट नहीं थे मेरे उस टाइम तक, तो नहीं थे, बस ओके, सिर्फ मतलब मैं कभी यूट्यूब कभार टाइम पास के लिए यूट्यूब वगैरह चला लेता था मैं, ठीक है ओके। ना। और मेरे को ऑनलाइन बेनिफिशियल लगा वैसे, क्योंकि मतलब मैंने कंट्रोल कर लिया था 12th तक आते आते कि मतलब फोन उनमें नहीं चलाना है, और ट्रैवलिंग वगैरह का टाइम जैसे तूने कहा वो तो बचता ही है ऑनलाइन बचता ही है ऑब्वियसली। तो राइट, मतलब तेरे लिए ऑनलाइन काफी बेनिफिशियल रहा क्योंकि तू कंट्रोल कर पाता था खुद पे, तो ये स्टूडेंट टू में। हाँ स्टूडेंट वैरी बिल्कुल, कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू। हाँ। ठीक है, तो फिर लॉकडाउन का क्या इफेक्ट पड़ा अपनी स्टडीज पे, थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर, मतलब अपनी क्या तेरी स्टडीज एक्चुअली तो थोड़ा उसको डिस्क्राइब को मतलब एलैबोरेट कर। भाई मतलब लॉकडाउन तो जब स्टार्टिंग में ना ऑनलाइन जब शुरू हुआ था तब तो 1-2 महीने घर ही में थे भाई। मतलब हॉस्टल में पढ़ने का एक थोड़ा माहौल रहता है ना, घर में राइट तो पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, मतलब लग गए थे 1-2 महीने एडजस्ट करने में, बट फिर ठीक है। मतलब फिर लगा कि भाई ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो ऑनलाइन में ही हैबिट हो गई। अब तो काफी मतलब काफी सारे मेजोरिटी लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ज्यादा हाँ, पढ़ आप रहे तो हैं। काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो काफी अच्छा ऑप्शन भी है एक। तो चल अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं, कितने दिए तूने टेस्ट, मतलब लगभग कितने 6 घंटे के टेस्ट तूने दिए होंगे भाई ये तीन गिनना साल में? छोड़ दिया था मैंने
इतने सारे की कोई लिमिट नहीं भाई, मतलब मैं एवरेज निकाले हमने तो शायद हर वीक में एक हो ही जाता था। अच्छा मतलब काफी ज्यादा है यार ये तो, इतने ज्यादा टेस्ट। तो मतलब तेरा कोई एक फिक्स रहता था कि यार ये 100 में अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखता था टेस्ट के टाइम अटेम्प्ट करने में? जब मैंने शुरू किया था ना पहली बार, जब मैंने पहला पहला पहले टेस्ट दिया था, तब तो मैं ऐसे ही देखता था कि भाई पहले क्या आ गया, पहले फिजिक्स आ गया, फिजिक्स कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री आ गया, फिर मैथ्स आ गया, तो मैं तब से वही फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उसका चेंज ही नहीं किया। बट हाँ मतलब मेरे को नीड नहीं लगी इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, है ना। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लो जिसको करना है ना, क्योंकि और फिर करने के बाद आपको मतलब फाइनल फाइनल किसी एक कंक्लूजन पे आना है भाई कि मैं इस स्ट्रेटजी से जाऊंगा पेपर देने, क्योंकि आप मतलब मेन एग्जाम में तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। सही बात है। मेन एग्जाम तक तो आपको एक मेंटल पे फिक्स हो जाना चाहिए, मेंटल लेवल पे, कि भाई ये पेपर में करना है। और मान लो अगर थोड़ा भी ये ज्यादा टफ आ गई तो क्या करना है, प्लान बी भी रेडी होना चाहिए आई थिंक। हाँ प्लान भी रेडी होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तो फिर चला नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। कि मतलब जैसे काफी बच्चों का रहता है कि यार स्पीड इंक्रीज करते तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी इंक्रीज करते तो स्पीड कम हो जाती है। तो तेरा क्या पॉइंट है इस पे, मतलब व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस जो तू दे सकता है कि भाई एक ऑप्टिमम स्पीड प्लस एक ऑप्टिमम उस पे हम पहुंच पाए? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को एक बात जो मैंने 3 साल में जो फाइंड आउट किया वो ये था कि मतलब कि अगर आप स्पीड कम करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी बढ़ेगी, दिस इज टोटली अ मिथ। मतलब आप बिल्कुल आप अपनी एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट रिड्यूसिंग योर स्पीड। तो ओके बट ठीक है मतलब मतलब लोग उसके ट्राई कर कैसे सकते करना हैं, है ये थोड़ा बताओ। मतलब स्पीड अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो वो तो मैं जो कि मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया था वो ये था कि घर में जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप टाइमर लगा लो, पर प्रॉब्लम तीन काफी मिनट सही, चार राइट। मिनट हाँ तो मतलब वो काफी बिल्कुल लगता भी आप जैसे कि आपने 20 सवाल लगाए 1 घंटे में, 1 घंटा 15 मिनट में, और आपसे मतलब 10 ही बने, तो आपको काफी डिमोटिवेशन भी होगा। बट फिर ना अगर आप उसको हैबिट बना लोगे ना तो आपकी स्पीड भी बहुत इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि आप घर में भी ऐसे नहीं कि आप सवाल कर रहे हो फिर आपका एक बारी में गलत हो गया भाई पीछे आंसर देख लेते हैं, वो वाली हैबिट हाँ आपकी रिड्यूस होगी। आप एक सिटिंग में सवाल करोगे और एक सिटिंग में फिर चेक भी करोगे उसको। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम पीछे एक क्वेश्चन करके आंसर ना देख रहे हो, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है। तो आई वांट टू एम्फसाइज दिस, राइट। मतलब मुझे ये काफी लेट समझ में आया, एंड आई थिंक ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं। आप पूरा एक मतलब जैसे 10 या 20 क्वेश्चन का सेट लीजिए, पूरा कीजिए, एंड देन सबका मैच कीजिए, करेक्ट? बिल्कुल ठीक है, काफी सही तरीके से बताते जा रहा है आज उत्कर्ष। तो मान लिया अगर तेरा कभी टेस्ट खराब जाता था, विच आई थिंक तेरा स्टार्टिंग में गया भी था, तेरा उतना मतलब स्टार्टिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता जिस लेवल का तूने अभी किया है, आई थिंक काफी ग्रोथ है। तो फिर तूने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, क्योंकि यार काफी टाइम लंबी जर्नी रहती है और काफी अप्स एंड डाउन आते हैं, तो कैसे मोटिवेटेड रखता था खुद को, थोड़ा इलाबरेट कर इस पर। अलग सबसे पहले तो आपका टेस्ट खराब किया, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि नेक्स्ट टेस्ट ठीक अच्छा करना है। और बाकी मतलब आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आप टेस्ट खराब हो गया उस पर रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब टेस्ट के एनालिसिस का पता ना जो कि इम्पोर्टेंट है, मतलब है ना टू बी प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल होना ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे एज कम्पेयर टू इमोशनल, है ना। तो टेस्ट की काफी सही गलतियाँ चीज सबसे पहले बोली, फाइंड आउट करता था, और अगर नेक्स्ट टेस्ट में मतलब ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट टेस्ट में आपकी सेम या फिर सिमिलर मिस्टेक ना हो, ना हो, क्योंकि क्योंकि अगर हाँ वो हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, राइट। तो फिर और तेरी अकॉर्डिंग मतलब तू टेस्ट एनालिसिस कैसे करता था, तूने टेस्ट एनालिसिस बोला तो थोड़ा डिस्क्राइब भी कर ही दे कि कैसे करता था। हाँ तो टेस्ट एनालिसिस में सबसे पहले तो जो सवाल गलत हुआ तो देखना है ही, मतलब है ना। और मतलब मैं सबसे पहले खुद अटेम्प्ट कर लेता था ना एक बारी, रादर देन की सोल्यूशन देख लो भाई, मतलब पहले सेल्फ अटेम्प्ट मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे कि आपके मतलब 5 6 सवाल जैसे कि ऐसे हैं जो कि आप टाइम ही देख ही नहीं पाए, आपका समय ही छूट गया, तो उनको आप चाहो तो टाइमर लगा कर सकते हो, मैंने किया नहीं था बट हाँ आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। और मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जो सवाल सही कर लिए हैं है ना उनको भी देखना जरूरी है, जैसे कि कुछ तुक्के लग गए है ना, या फिर कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई कि आपको मालूम है ए नहीं होगा बी भी नहीं होगा एलिमिनेशन डी मतलब डी तेरा
डी नैन ऑफ दीज हो गया तो सी मार देते हैं, है ना। तो वो वाला सही मतलब उन सिचुएशंस, मतलब उनमें भी आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, और मतलब फुल एनालिसिस उसी को कह रहा हूँ तो। और मतलब अगर तेरे क्वेश्चन कुछ सही हो गए हो जो कि तूने प्रॉपरली भी सॉल्व किया, तो उनके भी सोल्यूशन देखना क्या इंपॉर्टेंट रहता है या फिर वो स्किप कर सकते हो? हाँ मतलब वो भी जरूरी, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया था, बट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि हो सकता है आपको जो सोल्यूशन मिल रहा है आपकी कोचिंग के वो लेंदी हो, द्वारा, राइट? मतलब आपने जो किया वो लेंथी हो सकता है, आपको कोई बेटर हाँ, अप्रोच मिल जाए, मिल वो जाए। भी आप देख सकते हो, बिल्कुल बहुत फायदा करेगा। ओके भाई, तूने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो तेरी अकॉर्डिंग जो है, मतलब क्या रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है और होता है तो तू कैसे करता था, थोड़ा उस पर भी इलाबरेट कर। मतलब क्या रिवीजन से एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है जैसे मतलब लोग बताते हैं? हाँ मतलब एक ना दो टाइप के रिवीजन होते हैं, एक जैसे कि आपका जब सिलेबस चल रहा है तब आप, जैसा कि आपको कुछ पुराने टॉपिक्स आप भूल रहे हो तो वो कर लो, है ना, वो उससे तो फायदा मिलता ही है ना। और आपका एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो गया है तो आपके जो मेजर इश्यूज बचे हैं ना उनको एड्रेस करना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी वही किया था, जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स, जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद भी मेरे को ढंग से कॉम्प्लेक्स नहीं बनता था मेरा भी शेड रेव था। सबसे पहले तो मैंने भाई उसको देखा, भाई ढंग से पढ़ो कॉम्प्लेक्स वाला, एक मतलब सवाल नहीं होते थे मेरे से, है ना। तो जो मेजर इश्यूज हैं तो पहले उनको वो करो, और फिर बचे हुए बाद में जो माइनर है उनको गैप फिलिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी। अच्छा, तो तूने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ कि भाई क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहे, या फिर मतलब किसी भी टॉपिक में ऐसा हो जाता है कि भाई क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहे, तो उस चीज को कैसे डील करें, कैसे उसका मतलब बेस्ट सोल्यूशन क्या है तेरे अकॉर्डिंग? ये तो मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, जैसे कि मैथ्स में अगर आपका केस है तो आप मतलब ज्यादा थ्योरी में तो आप कुछ कर सकते नहीं हो ना, आप राइट, प्रैक्टिकल मतलब सवाल ही करो आप, जो आपसे नहीं बन रहा उनको आप विद इन 24 आवर्स या फिर एक दो दिन बाद वापस करो, तो इससे फायदा हो सकता है ना। और जहाँ तक बात है उसकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तो कंसेप्चुअल एरर थ्योरी पढ़ो, मतलब हाँ मतलब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए कुछ तो देखना ही पड़ेगा। राइट। तो फिर अब आगे ही बढ़ते हैं, तो काफी सही बात तरीके से बताता जा रहा है आज उत्कर्ष, मतलब इतना टाइम लेके आया, थैंक यू सो मच पहली चीज। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बिट साइट में यार तेरे 399 मार्क्स आए जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है, तेरे को आई थिंक पिलानी कैंपस भी मिल रहा था, तो फिर तेरी क्या टिप्स रहे? मतलब अभी बिट साइट अराउंड 6 मंथ्स बाद है, तो क्या अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्या करना चाहिए बिट साइट के लिए, और बिट साइट इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं, मतलब तू खुद के ऑनेस्ट ओपिनियंस बता। वेल टू बी ऑनेस्ट, तो मतलब मेरे को 6 महीने 6 महीने पहले पता भी नहीं था कि मैं बिट चैट देने वाला हूँ, मतलब मेरे माइंड में था ही नहीं भाई बिट चैट भी देना है क्या मतलब ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के नाम पे तो बस यही है कि आखिरी के 3 4 दिनों में, 3 4 5 दिनों में आप मॉक टेस्ट ट्राई कर लो, है ना, स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर लो कि आपको जो जितने भी 10 12 क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको अनलॉक करना है नहीं करना है ना। मतलब खुद के और अकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि जरूरी नहीं आप वो अटेम्प्ट करो, राइट? हाँ, और फिर जहाँ तक बात है आपको जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में कुछ तरीके क्वेश्चंस जो आते हैं ना कुछ पैटर्न के, वो हाँ, आप एक बार ही देख सकते हो, है ना। 10th में किए रहते हैं तो थोड़ा भूल भूल जाते हैं एनटीएस भूल वगैरह के जाते टाइम। हैं, राइट? तो यही सब मतलब, और स्पीड के ऊपर क्या कहना चाहेगा, क्योंकि आई थिंक मैंने सुना है बीट साइड में स्पीड बहुत मैटर करती है, और क्योंकि मैंने खुद ने भी दिया था, तो तू थोड़ा उस पर भी बता दो। वेल, स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है बिट सेट के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने तेजनादन सवाल कर लिया फिर सब कुछ हो गया बट हाँ ऐसा भी नहीं, ज़्यादा कॉन्शियस हो गया आप स्पीड स्लो कर रहे हो, मतलब मैंने पता है क्या किया था, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं तो ऐसा था, बिल्कुल सीधा स्टार्टिंग से ही 4th या 5th गियर में शुरू कर दिया था मैंने करना, बाद में देखा जाएगा। अब वो अच्छी बात हुई मेरे साथ कि एक्यूरेसी मेरी बनी रही, बट हाँ मतलब मेरे को लगता है मैं स्पीड को थोड़ा एज दूंगा एज कम्पेयर टू एक्यूरेसी, आप ट्राई करो, मतलब जितना फास्ट कर सकते हो उतना ट्राई करो। मतलब तूने पहले से ही अपनी थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी बिल्ड कर ली थी, तो तेरे को वो बेनिफिट दी बेट साइड में। हाँ अच्छा, काफी सही। तो ऑल्सो बीइंग मतलब एसिक्स कैटेगरी का केवीपी वाई स्कॉलर, तो तेरे क्या ओपिनियन है केवीपीआई को लेके, इम्पोर्टेंट भी है या ऐसे ही दे दे बस, और थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, कैसा रहना चाहिए, थोड़ा बता, क्योंकि अभी एग्जाम मतलब भी आने वाला है। हाँ, थोड़ा
थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा ही, मतलब आपको ऐसे, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक चले जाओ पेपर देने। तो एक दो दिन पहले मैंने देखा था, एक दो दिन नहीं 3-4 दिन पहले, है ना, थोड़ा बहुत कि कैसा पेपर आता है एंड ऑल दैट, कि आपको कौन से, मतलब कौन स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी फाइंड आउट करती है मैंने, कि मतलब कौन सा सेक्शन करना है और किसको कितना टाइम देना है। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो वो तो मेरे ख्याल से कॉमन ही रहता है, उसका कुछ नया तो पढ़ना नहीं रहता है ना। और राइट पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी लगभग एडवांस से थोड़ी हल्की होती है, मेन से थोड़ी ज्यादा होती कठिन है। होती हाँ है। यस हाँ, तो मतलब कुछ नया पढ़ने ऐसा तो कुछ नहीं है, जो है आप या तो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, और या तो और स्ट्रेटेजी डिवाइस करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ काफी सही तरीके से तू बताता जा रहा है। तो फिर अब जी मेंस के लिए बता दे थोड़ा, कि मतलब तेरा इतना अच्छा परसेंटाइल आया, मतलब 9 से गिनते रह जाता है परसेंटाइल में तो मतलब अरे कैसे आया ये फिगर 99.994 समथिंग समथिंग? हाँ, मतलब मेंस के लिए ना, मैं सही बताऊं तो मतलब ठीक है, आप बीच में, मतलब अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको मेंस के लिए मतलब थ्रू आउट 2 इयर्स ऑफ जर्नी आपको कुछ खास कुछ नहीं करना है, मतलब आखिरी के टाइम में आपको जरूर मेंस के पेपर देने हैं, मेंस से कुछ अलग से स्पेशल टॉपिक्स आते हैं वो उनको आपको कमांड करना है, और बाकी फिर हो जाएगा। अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो मेंस तो आपका हो ही जाएगा क्लियर, है ना। और मतलब मैंने जो किया था, मैंने तो लास्ट के जो 1 मंथ, 1 मंथ नहीं 20 डेज के अराउंड, मतलब बहुत प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं। और अभी तो हमारे साइड में तो 4 साल हुए हैं, आपके पास तो प्रीवियस हाँ ईयर का बिल्कुल भंडार पड़ा मटेरियल हुआ है। भंडार है। राइट बट वेरी ट्रू, मैंने भी खूब निपटाया था। तो मतलब अभी जैसे यार बहुत क्लोज है जेई मेन्स और बोर्ड्स भी है बच्चों के, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, या बोर्ड्स पे फोकस करें या मेन्स पे करें या एडवांस पे करें। तो तेरे क्या एडवाइस रहेगा कि अभी कैसे मैनेज करें, क्योंकि बोर्ड्स एक्चुअली 10-15 दिन बाद ही है, मतलब काफी क्लोज है। हाँ मतलब तो भी तो बोर्ड्स पे, मतलब मतलब बोर्ड्स बोर्ड्स पे, इम्पोर्टेंट मतलब भी होते हैं एक्चुअली, मतलब इम्पोर्टेंट तो होते ही हैं, मतलब बोर्ड्स तो देने ही पड़ेंगे आपको 12th पास करने हैं। बट हाँ मतलब ठीक है, आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना चाहिए, मतलब लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोर्ड्स ही बोर्ड्स कर रहे हो और फिर भूल ही गए, मतलब कि फिर अब वो आपको फिर लिंक मतलब नहीं बाद छोड़ रहा रिदम है। में, आने हाँ में फिर बाद में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। राइट काफी मतलब सही बिल्कुल भी तरीके कट से, ऑफ नहीं होना है आपको जेई से। हाँ काफी सही तरीके से बता रहे हैं। तो भाई कुछ बता, मतलब क्लोज करने से पहले कुछ बता अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे, कुछ ऐसा फनी सा, कुछ मतलब कोई ऐसी चीज रही हो जिससे तेरे को लगा हो यार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगा हो, कभी हुआ है ऐसा? पता, जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ पे हाँ कोटा में, तो मतलब हाँ मैं पहली क्लास में गया है ना, मैथ्स की क्लास में, को याद आ रहा है ना, तो उसमें हमारे सर ने एक पॉलिनोमियल लिखा था, मेरे को याद है, और फिर ने सवाल लिखना शुरू किया, सम ऑफ फ्रूट्स बता, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बता, है ना। मैं क्या हाँ किया, मेरे को कुछ पता था नहीं, है ना, मैं पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने लगा वैल्यू पुट करके, है ना। यहाँ भाई बाकी लोग सोच रहा था एक रूट निकल रहा है, बाकी लोग रूट निकाल के उसका सम भी बता दे रहे हैं, तो वो मेरे को थोड़ा लगता है अभी भी, आज भी काफी एम्बेरसिंग था उस टाइम। सीरियसली आई थिंक 4-5 बच्चे थे तब जिनका नहीं हुआ था ये, एंड मतलब तू भी था भाई, मेरे को ये ध्यान नहीं था। शेट काफी सही था। तो साइड देन तेरे पास कोई मैसेज है व्यूअर्स के लिए जो यहां तक पहुंच गए हमारे इस कन्वर्सेशन को सुनते हुए? वेल मैसेज तो यही है कि मतलब मोस्टली ऐसा होता है बच्चों के साथ कि जो मतलब जो जिस टेम्पो से शुरू करते हैं ना, उस टेम्पो मतलब एंड तक वो टेम्पो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो मतलब भले ही आप पढ़ाई थोड़ा रिड्यूस कर दो आपका किसी दिन का, मतलब कभी कभार अगर आपका कोई फेज आता है बीच में कि आपका मूड नहीं कर रहा, तो आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल भी कट ऑफ बिल्कुल नहीं करना, है ना, क्योंकि वापस उस मोमेंटम बना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको मतलब पढ़ाई से कट ऑफ कभी भी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे 2 साल बिल्कुल जिस मोमेंटम में शुरू किया था उसी पे बिल्कुल एंड भी उसी पे करना। आई फुल्ली एग्री विद दिस, मतलब मेरे साथ भी ये सेम ही चीज थी। मतलब मेरे को ये नहीं पता कि मैं ज्यादा पढ़ता था, बट एक चीज थी कि कंसिस्टेंट रहता था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन कम पढ़ना है तो कम पढ़ रहा हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ।
आई थिंक वो हाँ बहुत जरूरी ये है, जिसको तूने काफी अच्छे तरीके से एम्फसाइज किया। तो एंड करते हैं यही पे उत्कर्ष, काफी अच्छा लगा तुझसे बात करके। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो पे तो जरूर कभी एक और बार तुम्हारे साथ बनाएंगे वीडियो। तो हेलो एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।